हेलो। हाँ हेलो बेटा, आशीष। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हारे फादर का दोस्त बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब का। जी, हेलो। नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ बेटा, खुश रहो। बेटा वो तुम्हारे पापा तुम्हारी बहुत बड़ाई कर रहे थे, तुम्हारी अच्छी नौकरी वोकरी लग गई है। जी, नौकरी तो भी नहीं लगी है। अच्छा, वही मतलब वही बता रहे थे कि अच्छी जगह तुम गए जा रहे हो अभी, मतलब ऐसा जैसे समझ में आया हमको। जी तो बेटा एक्चुअली मेरा भी एक बेटा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है बेटा। हाँ, जी तो उसको दिक्कतें आ रही हैं, मतलब उसको डाउट आ रहे हैं बहुत सारे। तो है तो अभी वैसे बहुत जी अच्छी जगह हम उसको भेजे हैं तैयारी करने के लिए, कोटा में है, तैयारी कर रहा है अपना। जी कर रहे लेकिन थे। उसके नंबर मतलब बेटा समझ रहे हो अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो लग नहीं रहा है कि मतलब हो पाएगा। तो तुम कुछ मतलब बताओ, बताना चाहोगी तो हम उसको बता दें कि मतलब अच्छी से उसकी तैयारी हो जाए। से तो मतलब खुद से मेहनत नहीं पड़ती काफी। हाँ बेटा वही, मतलब वो बोल रहा है कि सब बोलता है एग्जाम में सवाल नहीं बनते हैं। तो जो क्वेश्चंस की फिर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उसके लिए, तो मतलब आप उसके लिए तो उसने क्या क्या किया हुआ है, मतलब इसमें है। अभी तो 11th में गया है, अभी तो मतलब ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मतलब वही होता है ना तो बेटा कि स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है ना। मतलब अब तुम ही बोल रहे हो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, तो 11th में मतलब काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके 11th में मतलब काफी खराब परफॉर्मेंस आती है, लेकिन 12th में नंबर आने पर अच्छे शुरू हो जाते हैं। मतलब अच्छा अच्छा बेटा, तुम दिन में कितने घंटे पढ़ते थे? तो उतना मतलब उसको हम समझा पाए कि इतना पढ़ना चाहिए, दिन के 5-6 घंटे, बस 5-6 घंटे में हो जाता था बेटा। तुम तो बोले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब मैं रोज टॉपिक्स उठाता था अलग अलग सब्जेक्ट्स के, मैथ्स फिजिक्स के, और फिर देखता था कि उसमें उतना पढ़ना है नहीं पढ़ना। अच्छा, और टीवी भी देखते थे बेटा? टीवी हाँ, दिन में 1-2 घंटे। अच्छा, और सुने हैं बेटा तुम लोग की बहुत अच्छी अच्छी नौकरी लगती है, 1-1 करोड़ रुपए देती है कंपनी। बेटा हम तो वही चाहते हैं कि उसका अच्छे से अच्छा हो जाए किसी तरह। जी तो तुम कहाँ कहाँ से पढ़े थे बेटे? बेटा कानपुर से ही पढ़े थे? जी अच्छा बेटा, तो तुम बहुत मेहनत की होगी कानपुर में, तो मतलब दिक्कतें बहुत हुई होगी पढ़ने में। नहीं, मतलब कागज तो बगल में था लड़के, तो नहीं मतलब दिक्कतें तो तुमको नहीं यहाँ थी। पे उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है ना, इसीलिए बोल रहे थे। अच्छा बेटा, तुम मतलब ये किस टाइम पे थोड़ी थोड़ा फ्री रहते हो, ताकि मतलब उससे बात बात करवा करना हो तो कर ले। शाम को 5 बजे के बाद अच्छा, तो बेटा मतलब शाम को 5 बजे के बाद मतलब तुमसे बात कर सकता है ना उसको? तो वही होता क्या है ना बेटा कि हम लोग यहाँ कानपुर वानपुर में पढ़ा हुआ है, कभी टीचर लोग से ज़्यादा बातचीत करता नहीं है, तो डाउट वाउट अपने में ही रख लेता है। तो तुम बड़े भाई की तरह उसको बता दोगे थोड़ा तो मतलब हेल्प मिल जाएगा। जी हाँ अच्छा बेटा, फिजिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़ते थे? वो पता नहीं, बोलता है कि एक छोटी सी बुक है, वो बोलता है एक एक सवाल दो दो तो घंटे में हो जाते हैं। तो हमको तो दो दो घंटे बताओ एक सवाल में कैसे लगते होंगे? वो अंकल वही प्रैक्टिस का फर्क पड़ता है ना, मतलब शुरुआत में तो 1-1 घंटा लग जाता है सवाल में, लेकिन फिर वो जितनी प्रैक्टिस करते हैं उन हिसाब से सही होता रहता है। मतलब अच्छा फिर 10-10 मिनट में लगते हैं, स्पीड फिर बढ़ती है। मतलब जेई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो सेल्फ स्टडी है ना। अच्छा बेटा, रैंक कितनी आनी चाहिए? मतलब उसको अच्छा, मतलब उसको भी 1 करोड़ रुपए की नौकरी मिल जाए तो कितनी रैंक आनी चाहिए उसको? 5 मिनट सब अच्छा है, 1-2 हजार। कितनी बताए बेटा? 1,000 के अंदर काफी अच्छी है, 500 के अंदर काफी अच्छी होती है। अच्छा बेटा, और बेटा आईटी का माहौल कैसा है अभी, मतलब क्या चल रहा है? अभी सुने कानपुर में एक बच्चा का सुने थे कुछ कुछ हो गया था, मतलब तो ऐसा कॉलेज में ठीक चलता है ना सब कुछ? कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है कॉलेज में? कॉलेज तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे केस में मुश्किल तो ही आते हैं। नहीं हमको तो बेटा चिंता हो जाता है ना, मतलब समझ रहे हो ना। जी। अच्छा तो बेटा 5 बजे के बाद मतलब उसको तुम्हारा हम नंबर दे देंगे तो कर लोगे ना तुम बात? कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और अपने छोटे भाई की तरह समझ के उसको थोड़ा बता बता देना। और जी यही, और आईआईटी में भी बहुत पढ़ना पड़ता होगा तुम लोग को, उतना ही है दिक्कत। उसकी मम्मी भी बात करना चाहती थी तुमसे लेकिन अभी है नहीं यहाँ पे,
तो वो भी बात करेगी तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, अभी फ्री हो ना, अगर टाइम हुआ उसको तो कर लेगी। ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा एकदम। ठीक आप वैसे आपका बकरा बन गया है, हम प्रैंक कॉल कर रहे थे आपको, तो एक बार बोल दीजिए कि मेरा बकरा बन चुका है। अच्छा बोल दीजिए एक बार कि आपका बकरा बन गया मेरा बकरा बन गया। धन्यवाद। है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।